लिए इस शीट के दिए हुए सेकंड प्रॉब्लम को, डीपीएस 2 का जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ उसको सिस्टमैटिकली करने का मैं एक तरीका बताता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे यह हमने मास, ये एक पार्टिकल दिया हुआ है 1 केजी का, यह पार्टिकल है और इस तरीके से वेलोसिटी इंडिकेट कर रखी है 37 डिग्रीज पर 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। डीपीएस 2 का प्रॉब्लम नंबर 2। अब इसके लिए 1 केजी का यह पार्टिकल, वेलोसिटी 1.5 और इस तरह से दी हुई है, तो मैं इसके लिए लिखता हूं मास m1 इज 1 केजी एंड इट्स वेलोसिटी v1 इज cos 37, cos 37 is 4/5, 1.5 मीटर पर सेकेंड। सो 1.5 इंटू 4/5 नेगेटिव डायरेक्शन में इंटू आई कैप, इस आई कैप से हमें यह बात समझ में आ गई, यह वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैं इस तरह से कह रहा हूं यह एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 1.5 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 37, साइन 37 इज 3/5, नेगेटिव डायरेक्शन में 1.5 इंटू 3/5 जे कैप। इस तरह से मैंने मास m1 लिखा। अब यह दूसरा एक पार्टिकल इस तरह से उसको इंडिकेट कर रखा है 1.2 केजी और इसकी वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड, तो इसे मैं इंडिकेट करता हूं मास m2 लिख देता हूं मैं 1.2 केजी और वेलोसिटी v2 मैं लिखता हूं। देखिए ये ऊपर की तरफ इंडिकेटेड उन्हें दिखा रखा है, तो इसका कोई आई कंपोनेंट है नहीं, 0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप की जगह 0.4 इंटू जे कैप, सारी वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड में है। अब मैं पार्टिकल 3 को देखता हूं, पार्टिकल 3 किस तरह से इंडिकेट कर रखा है जरा देखें, इस तरह से इधर एक पार्टिकल 3 दिखा रखा है 1.5 केजी और इस तरह से इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड और एंगल वही 37 डिग्री। तो सबसे पहले मास m3 इधर लिख दूं, मास m3 इज 1.5 केजी और इधर वेलोसिटी v3 लिखता हूं, v3 में x कंपोनेंट जो है वह cos कंपोनेंट होएगा, cos 37 इज 4/5, सो नेगेटिव डायरेक्शन में है 1 इंटू 4/5 इंटू आई कैप, -1 इंटू 4/5 इंटू आई कैप और वाई कंपोनेंट हुआ पॉजिटिव कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट तो 1 इंटू 3/5 इंटू जे कैप। यह मास m3 और उसकी वेलोसिटी v3, इसमें एक्स कंपोनेंट भी दिख रहा है वाई कंपोनेंट भी दिख रहा है। हम सबसे पहले सारे पार्टिकल की वेलोसिटीज को ध्यान से देखते हुए लिखते जा रहे हैं। अब चौथा पार्टिकल इस तरह से हमने दिखा रखा है 0.5 केजी लिख रखा है और 3 मीटर पर सेकेंड लिख रखा है, तो मास m4 में लिखता हूं, मास m4 इज 0.5 केजी और वेलोसिटी v4 में लिखता हूं और सारी की सारी वेलोसिटी इसकी x एक्सिस के अलोंग है, सो 3 प्लस 3 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप। अब यह एक पार्टिकल इधर बना रखा है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 1 केजी का पार्टिकल है और 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है,
और 37 डिग्री है. तो इसके लिए मैं लिखता हूं मास m4 m5 इज 1 केजी और v5 इज, देखिए cos 37 2 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में, cos 37 4/5 इनटू i के प्लस y कंपोनेंट नेगेटिव सो माइनस 2 sin कंपोनेंट मींस 3/5 इनटू j के. इस तरह से मैंने सभी पार्टिकल की मास और सभी पार्टिकल की वेलोसिटीज लिख ली है. अब समेशन ऑफ mi मैं वहां पहले से ही लिख देता हूं 0.5 or 1.5 2 3 4 5 5.2 kg, यह समेशन ऑफ mi हो गया. अब मैं अच्छी तरह से जानता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi vi अपॉन समेशन ऑफ mi. मैं दिस क्वांटिटी इनटू दिस क्वांटिटी, उससे मुझको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट मिलेगा आई कैप से मल्टीप्लाई करके, और जे कैप से मल्टीप्लाई करके मुझको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मिलेगा. मैं इसी समय इस काम को करता जाता हूं. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में इधर लिखता हूं पहले आई कंपोनेंट 1 इंटू दिस माइनस 1.5 × 5 ये 0.3 × 0.4 -1.2 × 1 दिस प्रोडक्ट इज 0 दिस इंटू दिस वंस अगेन नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ 1.5 ये ऑल्सो 1.2 एंड देन दिस इंटू दिस दिस प्लस 1.5 दिस इंटू दिस इज 1 केजी 8 by 5 1.6 प्लस 1.6 इंटू आई कैप अपॉन 5.2 यहां आई कैप एक्स कंपोनेंट हुआ सेंटर ऑफ मास का. अब वाई कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास के लिए मैं दिस इंटू दिस करूंगा इसी तरह से. तो यह हुआ 1.5 × 5.3 -0.9 0.4 × 1.2 This 4.8 plus 4.8. Then this into this, we have 1.5 × 5, 1/5, so 0.3, 0.9 plus 0.9. 0.5 into 0, 0 hua. And here 6/5, so minus 1.2. This upon 5.2 into j cap. Simplify this, you get the x component of velocity of center of mass, you get the y component of velocity of center of mass. This is how we will apply this expression summation of mi vi upon summation of mi. This is velocity of center of mass. बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखें और अब थर्ड प्रॉब्लम भी इसी समय करें. डीपीएस 2 का प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने कराया, इसी तरह से थर्ड प्रॉब्लम भी इसी समय आपको करना है. अब डीपीएस 2 का प्रॉब्लम नंबर 3 इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं. टू ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी एंड 30 केजी आर प्लेस्ड अलोंग अ वर्टिकल लाइन. दिस 10 केजी एंड दिस 30 kg, the first block is raised through a height of 7 cm
by what distance should this second mass be moved to that center of mass raised by 1 centimeter. देखिए, हम जानते हैं position vector of center of mass is summation of MIRI upon summation of MI. मैं इस expression को I'll rewrite in this manner. Delta RCM is change in position of center of mass is summation of MI into delta RI by summation of MI. मैं यह जो position vector of center of mass था, वो जो position vector था ये practical. इससे मैंने क्या करा? Delta RCM और इधर delta RI. Delta RI is displacement of ith particle. Delta RCM is displacement of center of mass. अब उन लोगों ने क्या कहा है? हमें center of mass को 1 centimeter से ऊपर ले जाना है. Center of mass को 1 centimeter से ऊपर. Summation of MIRI. Summation of MIRI की जगह मैं लिखूंगा 10 into 7 centimeter. M1 R1 plus M2 into delta R2 upon M1 plus M2 10 plus 30. हम सीधा सीधा यहाँ एक क्वेश्चन बना देंगे और 40 is equal to 70 plus 30 into delta R2 30 into delta R2 minus 30 into delta R2 equal to 70 minus 40 or R2 is or delta R2 is minus 1 centimeter. इसका मतलब इस दूसरे पार्टिकल को नीचे की तरफ 1 centimeter से डिस्प्लेस करना होगा. 30 kg मास मस्ट बी डिस्प्लेस्ड बाय 1 centimeter इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसे हमें 1 centimeter नीचे की तरफ ले जाना चाहिए सो दैट सेंटर ऑफ मास 1 centimeter से ऊपर की तरफ चला जाए. एंड विद दैट आई डिक्लेयर द फिनिश ऑफ सेंटर ऑफ मास एज फार एज द थियोरी पोर्शन इज कंसर्न्ड.